भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए अखिलेश की सपा और मायावती की बसपा के साथ आने के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इनसे निपटने के लिए कमर कस ली है। सपा के ओबीसी वोट बैंक और माया के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए योगी सरकार नया प्लान लेकर आई है और असल में बीजेपी के सामने ये साफ है कि 2014 के अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन में भी उसके हिस्से सिर्फ 39% वोट आए थे, लेकिन अपने सबसे बुरे प्रदर्शन के दौरान भी माया अखिलेश का साझा वोट बैंक कभी 45% से नीचे नहीं गया है। ऐसे में योगी की नजर सपा से नाराज ओबीसी जातियों पर और बसपा से नाराज अनुसूचित वर्ग में आने वाली जातियों पर है। बता दें, योगी सरकार का कदम जाति राजनीति को बढ़ावा देगा और इस सवाल के जवाब में राजभर कहते हैं कि हमें जिन लोगों ने चुनकर सत्ता में पहुंचाया है, हम उनसे किए गए वादे निभा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि माया और अखिलेश सरकार से पहले ही अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के भीतर ही भेदभाव पैदा करने का काम किया गया है। SBN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।